हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गोंद की लड्डू। काफी दिन से मैं सोच रही थी गोंद के लड्डू बनाने के लिए, पर इतना ठंड है कि बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो फाइनली चलिए आज से मैं बना ही दूंगी। तो चलिए आप लोग भी बने रहिए वीडियो पर। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं सारे ड्राई फ्रूट और अलसी को अच्छे से साफ कर लूँगी। इसे मैं देख रही हूँ कि इसमें कुछ है तो नहीं, तो इस तरीके से सारे को मैं साफ कर लूँगी। और देखिए बच्चे भी हमारे हेल्प कर रहे हैं, देखिए दोनों कैसे कर रहे हैं। और यहाँ पर सूखे नारियल को ग्रेट कर रही हूँ। तो देखिए सभी ड्राई फ्रूट को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और नारियल भी ग्रेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और सबसे पहले मैं अलसी को ड्राई रोस्ट करूँगी। अलसी को स्लो फ्लेम पर रोस्ट करें और जब इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे और चटकने लगे अलसी, तो समझिए रोस्ट हो गया है। उसके बाद इसे निकाल लिया है और अब मखाने को रोस्ट कर रही हूँ। तो मखाने में मैंने थोड़ी सी घी डाल करके और इसे रोस्ट कर लिया अच्छे से। मखाने के तोड़कर देखना है और अच्छे से टूट जाए मखाने, तो समझिए रोस्ट हो गया है। उसके बाद इसमें मैंने घी डाल दिया है और अब मैं इसमें गोंद को फ्राई कर रही हूँ। अब गोंद थोड़ी थोड़ी डाल करके करना है और थोड़ी सी मैंने गोंद डाला है और देखिए कितना डबल हो जाता है। जितना साइज रहता है गोंद का, उससे 2 से 3 गुना तक बड़ा हो जाता है। तो अब देखिए इसी तरीके से सारे गोंद को फ्राई कर लेना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा गोंद डाल डाल कर सभी गोंद को मैंने फ्राई कर लिया है। अब उसके बाद सूखे नारियल को इसे हल्का सा रोस्ट करूंगी। तो सभी ड्राई फ्रूट को इसी तरीके से रोस्ट कर लेना है, थोड़ा थोड़ा घी डाल डाल कर और निकालते जाना है। उसके बाद मैंने बादाम को डाल दिया है और बादाम जब हल्का हो गया है, उसके बाद इसी में मैंने काजू डाल दिया है। काजू बादाम रोस्ट हो जाए तो इसे निकाल करके उसके बाद छुहारे डालना चाहिए। मैंने इसे में मिक्स कर दिया है, पर बाद में इसे मुझे अलग करना पड़ा क्योंकि मिक्सी में इसे ग्राइंड करना है, तो एक साथ ग्राइंड नहीं होंगे, तो मुझे बाद में निकालना पड़ा था और छुहारे और सोठ को, तो मैंने मिक्स कर दिया था उस समय, पर बाद में निकालना पड़ा था। इसीलिए आप छुहारे और सोठ को अलग से रोस्ट कर लें हल्का सा। अब सारे ड्राई फ्रूट को मैंने रोस्ट कर लिया है। उसके बाद अब मैं आटा को रोस्ट कर रही हूँ। तो इसमें भी थोड़ा सा घी डाल करके इसे अच्छे से रोस्ट करना है खुशबू आने तक। अब देखिए आटे भी रोस्ट हो गया है। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दिया है मैंने और उसके बाद मखाने और गोंद को इस तरीके से खलबट्टे जो होते हैं लहसुन कूटने वाले, उससे मैं इससे कर रही हूँ क्रश। क्रश करके डालने से अच्छा रहता है, नहीं तो मिक्सी में करेंगे तो एकदम आटे जैसा बन जाएगा। और इस तरीके से करने से अच्छा लगेगा खाने में, क्रंची क्रंची सा। देखिए इस तरीके से कितने अच्छे से क्रश हो रहे हैं गोंद। अब गोंद को मैंने क्रश कर लिया। उसके बाद अब चीनी को पहले पाउडर बना लूँगी क्योंकि चीनी डाल करके मैं लड्डू बना रही हूँ। आप चाहें तो गुड़ की चाशनी बना करके गुड़ में भी बना सकते हैं। और इस लड्डू में सोठ जरूर डालें, सोठ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ठंडी के लिए फायदेमंद होता है।
और इसी तरीके से अलसी को भी मैंने रोस्ट कर लिया है और सभी ड्राई फ्रूट को इसी तरीके से रोस्ट कर लेना है। अब मैं शॉर्ट्स को पाउडर बना रही हूँ। शॉर्ट्स को पहले मैंने कूट लिया है, उसके बाद मैं उसका पाउडर बना रही हूँ। और मेहनत ज़्यादा इसी में है, उसे ड्राई रोस्ट करना है, उसके बाद इसे पीसना है। और लड्डू बनाने में तो बहुत ही जल्दी बन जाता है, मेन यही काम है इसका, ज़्यादा इसी में मेहनत लगती है। लेकिन मेहनत वाली चीज़ खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। सभी ड्राई फ्रूट और आटे को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं घी को गरम करके और इसमें घी डाल करके इसका लड्डू बना लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा घी इसमें डालना है और मिक्स करते जाना है। तो देखिए घी गरम हो गया है, उसके बाद इसमें जितना घी लगेगा मैं इसमें मिक्स करते जाऊंगी और लड्डू बना करके जब देखूंगी, जब अच्छे से लड्डू बनने लगेगा इतना ही घी डालना है। तो देखिए अच्छे से लड्डू बन रहा है। तो इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना लूंगी और देखिए कितना इजीली लड्डू बन रहा है। तो इसी तरीके से मैंने सारे लड्डू को बना के रेडी कर लिया है। डोंट के लड्डू बन के हो गया रेडी। देखिए कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब।